मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज का हमारा ज्योतिष का विषय खग्रास चंद्र ग्रहण 31 जनवरी 2018 को लगने वाले ग्रहण के विषय में जानकारी कि कब और किस समय लगेगा और उसका विचार और क्या होगा उस ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर करने का उपाय। जैसा कि खग्रास चंद्र ग्रहण 31 जनवरी 2018 को दिन बुधवार को छायाकाल से संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। यह ग्रहण आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, पूर्वी बंगाल में इत्यादि सभी इन प्रांतों में देखा जाएगा और इसके साथ यह ग्रहण जो है ग्रसित होगा। इस ग्रहण के प्रारंभ का समय शाम को 5:18:27 से स्पर्श करेगा और उस ग्रहण का जो पूर्ण रूप देखा जा सकेगा वो 6:21:47 पर तथा इस ग्रहण का जो बीच का मध्य का प्रारंभ पूर्ण संपूर्ण रूप से वो 6:59 और इस ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी 7:37 पर ग्रहण समाप्त होना शुरू होगा और ग्रहण से समाप्ति पूर्ण रूप से खत्म होगी 8:41 रात्रि तक। इस तरीके से इस ग्रहण का प्रारंभ और ग्रहण की समाप्ति का जो संपूर्ण रूप से इतना समय इसके बीच मिलेगा कि इसका जो 4:21 से और रात्रि के 9:38 से ये संपूर्ण रूप से जो है इसका प्रभाव दूर होगा। इसके लिए ग्रहण के समय विशेषकर इसमें सूतक माना जाता है। इस सूतक के अनुसार जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है, उनके लिए भोजन इत्यादि से करना वर्जित है, लेकिन वृद्ध, रोगी, गर्भवती स्त्री, इन व्यक्तियों के लिए इस ग्रहण के समय होने वाले खान पान के लिए शास्त्र में ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं। हाँ, गर्भवती स्त्री के लिए ग्रहण के समय उसको विशेष सावधानी रखते हुए कि ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे तथा एक आसन लगाकर ना बैठे, थोड़ा चलते फिरते रहने से आवश्यकता है तथा उसको किसी प्रकार के फल इत्यादि किसी चीज का काटना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि रसोई में उस समय कोई कार्य ना करे और भगवान के भगवते वासुदेवाय नमः नमः शिवाय या किसी प्रकार का मंत्र का जाप करे, जिससे इस चंद्रमा के अशुभ किरणों का प्रभाव पड़ने वाला जो है उस बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता और उसका शुभ प्रभाव होता है। अगर ना हो तो थोड़ा गाय का गोबर लाकर अपने गर्भाशय अर्थात पेट के ऊपर लगा लिया जाए तो विशेषकर फायदा होता है। इसके करने से भी विशेष लाभ होता है। इन सब चीजों के करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। आपको मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से होने वाले ग्रहण का प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा उसके विषय में बताया। बाहर जो विदेश में रह रहे हैं उनके भी इस ग्रहण का प्रभाव जो है विशेषकर घटित होगा, क्योंकि कई देशों में भी इस ग्रहण को देखा जाएगा, जैसे अमेरिका इत्यादि देशों में इस ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। आप हमारे YouTube चैनल पर या हमारी वेबसाइट पर होने वाले बाहर के देशों के ग्रहण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ग्रहण के प्रभाव के पड़ने के बाद लगभग 3 माह तक उस राशि के अनुसार शुभ और अशुभ प्रभाव का योग बनता है। इसलिए मित्रों आज के इस हमारे YouTube चैनल पर इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के अगले विषय को देखकर अपनी राशि और अपने ग्रहों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मित्रों आप हमारे YouTube चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विचारों की जानकारी लें। आप हमारे नीचे दिए गए लिंक वेबसाइट www.shuklajyotish.com पर भी जाकर विशेष जानकारी ले सकते हैं। मित्रों नमस्कार।